प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आजादी के 75 साल बाद भी घाघरा प्रखंड के देरगांव पुनराडी गांव की तस्वीर नहीं बदली, तकदीर नहीं बदली। गुमला जिले के इस गांव में न तो चलने लायक सड़क है, न पीने के लिए साफ पानी, न घर में बिजली की रोशनी, न बीमार पड़ने पर दवा। यहां आज भी बीमारी में इलाज के लिए जंगली जड़ी बूटी काम आ रही है। गांव के आसपास कई झोला छाप डॉक्टर भी हैं जिनका बाजार गर्म है। पूरा गुमला जिला ODF घोषित हो गया है, लेकिन पुनराडी गांव में एक भी शौचालय नहीं है। प्रशासन झूठी रिपोर्ट बनाकर जिले को ODF घोषित कर दिया है और अपनी पीठ थपथपा रहा है। जिले में कमीशनखोर अधिकारियों के कारण करोड़ों रुपए के सरकारी भवन बनकर बेकार पड़े हैं। पुनराडी गांव के लोग दो कमरे का पक्का घर बनाने की मांग करते रहे, पर किसी का घर पक्का नहीं बना। सभी कच्ची मिट्टी और खपड़ा नुमा घर में रहते हैं। रोजगार देने का वादा भी झूठा साबित हो गया। पुनराडी में कोई रोजगार नहीं, मनरेगा ठप है, लोग मजबूरी में दूसरे राज्य कमाने जा रहे हैं। आज भी इस गांव के लोगों को किसी रहनुमा का इंतजार है जो गांव की तकदीर और तस्वीर बदल सके। ग्रामीण कहते हैं कि कभी इस गांव में कोई अधिकारी नहीं आया, नेता तो दूर की बात, सांसद और विधायक का चेहरा तक नहीं देखा। वोट के समय दूसरे गांव का कोई एजेंट आता है, वोट देने के बाद कहकर चला जाता है। इसके बाद सांसद और विधायक का एजेंट भी नजर नहीं आया। गाँव में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव में करीब 120 लोग रहते हैं। ये लोग कुएं का पानी पीते हैं, कुएं का पानी भी मटमैला है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, मजबूरी में उसी पानी को पीना है। दूषित पानी पीकर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। गुमला से दुर्जय पासवान की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।